तो ये देखिए गाइस, अभी तो यहाँ पे कोई व्हीकल वगैरह चल नहीं रही है, तो काफी क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, विजिबिलिटी काफी अच्छी है। बट जब ट्रैफिक हो जाएगा तो फिर देखना पड़ेगा क्योंकि उनके साथ। तो ये देखिए गाइस, यहाँ से आप व्यू स्कर्टन कवर डालने लगा, ये यहाँ से होते हुए श्रीनगर से जब गाड़ी आएगी तो यहाँ से होते हुए इसमें से फिर सीधा उस टनल से चले जाएगी, और जो जम्मू से आ रही होगी वो वहाँ से घूम के आएगी और यहाँ से होते हुए इस रोड से यहाँ से श्रीनगर की तरफ जाएगी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो ये हमारा रहने वाला है सीरीज का सेकंड व्लॉग, जो कि हम सीरीज शुरू की हुई है रामन टू बानीहाल टनल्स वाली। तो इसमें आपको बता दूं ये एक छोटा सा व्लॉग रहने वाला है, बिकॉज ये जो टनल है ये भी काफ़ी छोटा सा ही है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये T2 है, लेकिन इसको T1 ही कहते हैं क्योंकि ये जो सीरीज टनल मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था उसके साथ में ही थोड़ा आप रख लो, 1 किलोमीटर के बाद ये टनल आ जाता है। तो ये मेरे पीछे रहा ये टनल, काफ़ी छोटा सा ये टनल है, बट जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि हमें सब टनल की अपडेट चाहिए, तो इसलिए मैं सबकी अपडेट देने वाला हूँ आपको। ये टनल भी जो फंक्शनिंग है ये भी 2-1 महीने से ये फंक्शनिंग हो चुका है, तो ये भी अभी इसी 4-लेन प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। देख रहे हो आप, गाड़ियाँ जो भी हैं यहाँ पे वर्किंग वाली वो चल रही हैं, लेकिन बाकी सब ट्रैफिक बिल्कुल बंद है आज, क्योंकि आज फ्राइडे है, 24th February है, तो आज ट्रैफिक रोका हुआ है। तो चलते हैं थोड़ा आगे और आपको दिखाता हूँ विजुअल से चैनल के। एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए इस जगह पर रॉक बोल्ट वगैरह लगाए गए हैं और उसको स्टेबलाइज किया गया है, बिकॉज अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ये वापस नीचे आ जाता है, ये वाला जो पोर्शन है। जैसे कि आपने देखा एक दो टनल पहले भी यहाँ पे कोलैप्स हो चुके हैं, जो उनका फ्रंट एक्चुअल में वो कोलैप्स होता है, तो इसके लिए काफ़ी अच्छा काम किया गया है यहाँ पे। तो सामने खड़ी है अपनी बाइक और ये रहा प्यारा सा ये टनल, इसमें भी लाइटनिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या ये लाइटनिंग इतनी रखेंगे। मुझे लगता है इतनी रखेंगे क्योंकि ये छोटा सा टनल है, इसमें लाइट की इतनी ज़्यादा जरूरत है भी नहीं, बट फिर भी ये जो व्हाइट लाइट्स हैं ये काफ़ी अच्छी लग रही हैं इस पर। और साइड से इन्होंने ये कुछ स्टेनलेस स्टील का स्लैब वगैरह भी रखे हैं, मुझे लगता है शायद से केबल्स वगैरह के लिए रखे हैं, किस लिए मुझे पता नहीं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए आपको इसका दूसरा एंड भी दिख रहा होगा सामने, क्योंकि ये एक छोटा सा टनल है। तो चलते हैं थोड़ा आगे और आपके जाकर दिखाता हूँ आपको इसके विजुअल उस साइड से कैसे दिखते हैं। तो ये देखिए गाइस, अभी तो यहाँ पे कोई व्हीकल्स वगैरह चल नहीं रही हैं, तो काफ़ी क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। बट जब ट्रैफिक हो जाएगा तो फिर देखना पड़ेगा क्योंकि उनके साथ डस्ट वगैरह भी काफ़ी उड़ेगी और पोल्यूशन उनका भी होगा काफ़ी, तो तब विजिबिलिटी कैसी रहती है। बाकी नॉइज़ यहाँ पे भी हल्की हल्की है, बट ये छोटा सा टनल है तो इतनी ज़्यादा नॉइज़ लग नहीं रही है मुझे। बाकी ये जो दो पहले टनल थे इनका काम मतलब बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है और ये फंक्शनिंग भी हैं, लेकिन जो इनके बाद टनल्स होने वाले हैं मुझे लगता है वो फंक्शनिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ से मुझे सामने दिख रहा है इसके साथ में जो आगे फ्लाईओवर टाइप बन रहा है या जो भी ब्रिज कह लो आप, फ्लाईओवर ही है मेरे ख्याल से, तो उसमें क्या है कि उसका भी काम लगा हुआ है, दिख रहा है सामने सरिया वगैरह उनका निकला हुआ है और उसमें अभी टाइम लग जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा वैसे तो। चलते हैं आगे और उस एंड पर आ जाके आपको मैं दिखाता हूँ विजुअल्स वहाँ के। तो गाइस जैसा आप देख सकते हो अभी हम पहुँच चुके हैं इस टनल के दूसरे वाले एंड पे, तो यहाँ पे अभी थोड़ा काम बचा है, काफ़ी काम बचा है मैं कहूँ तो। और जो यहाँ पे ब्लैक टॉप वगैरह हुई है टनल के अंदर ये भी इतनी मतलब फाइन नहीं हुई है, तो इसका भी अभी फिर से काम होना होगा। और ये आप देख सकते हो साथ में वॉल वगैरह लगाई गई है, अभी थोड़ा इसका भी काम बचा है क्योंकि यहाँ से ना स्टोन्स वगैरह आते हैं, और ये जो आपको दिख रहा है ना ये ड्रेन जो है ये नाला, यहाँ पर भी काफ़ी पानी आता है बारिशों के टाइम पर, और ये मतलब काफ़ी रिस्की हो जाता है। एक इंसान की मैंने वीडियो देखी थी तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था, जो कि यहाँ इस रोड पे भी आ रहा था। ये आप टनल का दूसरा वाला एंड का फेस देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत ये लग रहा है। तो ये वॉल आप देखिए, काफ़ी पानी इकट्ठा हुआ है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है एक स्विमिंग पूल टाइप है, बट यहाँ पे जाके कोई नहाए ना। तो ये देखिए आगे, ये यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा, इनको पूछना पड़ेगा क्या ये कटिंग कवर टनल टाइप का है, क्योंकि वही लग रहा है, बिकॉज ऊपर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा रॉक्स आने के चांसेस है। तो अगर ये करंट कवर टनल टाइप हुआ तो यहाँ से क्या होगा, जिसका रूफ बना है उसके ऊपर से वो स्लाइड करते हुए आगे निकल जाएंगे। तो देखते हैं आगे जाके पूछते हैं इनको। साथ में ये रहा इनका बैचिंग प्लांट सामने, यहाँ पे से यहाँ सारी मिक्सिंग वगैरह होके ये मिलर के थ्रू सारा जो इसका मटेरियल है आगे उसे जाता है दूसरी जगहों पर जहाँ पर इनका काम लगा हुआ है। तो 2 लेन ये जो है नीचे वाला वही रहेगा, और 2 लेन ये जो यहाँ से इस टनल के थ्रू हम होके आए हैं ये रहेगा, तो जो दूसरा 2 लेन है वो जो पुराना हाईवे है उसी को इन्होंने आगे एक्सटेंड किया है। ये देखिए ये है पुराना हाईवे और इसी को आगे एक्सटेंड किया हुआ है,
तो अभी जैसे कि हम जिस टनल से आए अभी इन्होंने उसको फंक्शनिंग कर दिया हुआ है, तो इसलिए इसको बंद किया हुआ है पुराने वाले हाईवे को, और इसलिए यहाँ पे सारा काम जो है चल रहा है। ये देखिए सामने आप देख सकते हो कितने जोरों शोरों से काम चल रहा है यहाँ पे भी। चलते हैं थोड़ा आगे, उनको पूछते हैं कि ये क्या है। तो गाइस ये रहा वो टनल जहाँ से हम क्रॉस करके अभी आए, और ये रहा वो पुराना रोड जो हाईवे का पुराना रोड है वो, ठीक है। तो यहाँ से जब आप क्रॉस करोगे और यहाँ से जब आप आओगे, तो ये क्रॉस करते हुए, ये पोर्शन क्रॉस करते हुए आपकी गाड़ी यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है सामने कर्टन कवर टनल टाइप का, ये यहाँ से इसके बीच से आपकी गाड़ी जाएगी, ठीक है। और इसी को आगे एक्सटेंड करते हुए यहाँ जो दूसरा लेन है उसमें भी एक और कर्टन कवर टनल बनाया जाएगा सेम ऐसे ही मैचिंग करते हुए, ताकि जो भी क्या बोलते हैं आपके स्टोन्स वगैरह इसके ऊपर से आते हैं तो वो उन दोनों को क्रॉस करके ऊपर से आगे निकल जाएंगे। तो ये जो पुराना हाईवे देख रहे हो उसको भी यहाँ से लाके, यहाँ से लाके तो इस पर मैच किया जाएगा, ठीक है। एक लेन आपको, सॉरी दो लेन आपके यहाँ ऊपर से होंगे, और दो लेन ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना रोड बना हुआ, यहाँ से होंगे। तो इसका काम भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से लगा हुआ है, ये आप देख सकते हो पिलर्स वगैरह दिए जा रहे हैं, और ये पीछे तक ये यहाँ से पिलर्स वगैरह जाएंगे, जैसे कि पिलर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ऐसे ही। ये देखिए इसके ऊपर से ये रूफ भी तैयार किया जा रहा है, इसके ऊपर फिर एक ही बार बस कंक्रीट डाला जाएगा तो इसके अंदर से गाड़ी पास करेगी। और वैसे ही दो लेन का यहाँ से भी बनेगा, एक टनल टाइप ही बनेगा शायद से कर्टन कवर। तो ये देखिए ये पुराना रोड आप देख सकते हो, ये रोड तैयार हो चुका है, इस पर ब्लैक टॉप वगैरह भी डाल दी गई है, और दूसरा जो दो लेन होंगे वो यहाँ ऊपर से होंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये सारा, काफ़ी ज़्यादा काम जोरों शोरों से लगा हुआ है। ये देखिए काफ़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं, हर जगह आप देखोगे टेम्पर वगैरह ही हैं और गाड़ियाँ चल रही हैं, जेसीबी वगैरह का काम लगा हुआ है हर वक्त। तो जैसा कि आज मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क के लिए छुट्टी ली गई है, मतलब ट्रैफिक बंद किया गया है, तो आज ये ज़ोरों शोरों से काम कर रहे हैं। तो ये देखिए गाइस यहाँ से आप व्यू इस कर्टन कवर टनल का, ये यहाँ से होते हुए श्रीनगर से जब गाड़ी आएगी तो यहाँ से होते हुए इसमें से फिर सीधा उस टनल से चले जाएगी, और जो जम्मू से आ रही होगी वो वहाँ से घूम के आएगी और यहाँ से होते हुए इस रोड से यहाँ से श्रीनगर की तरफ जाएगी। तो गाइस यहाँ से थोड़ा क्लोजअप आप देख लीजिए इस कर्टन कवर टनल का, इसके अंदर से होते हुए ये गाड़ी जाएगी। अभी तो ये आपको लग रहा है कि बंद है, बट ये जस्ट इसकी शटरिंग टाइप है, इसको एक शेप देने के लिए। ऊपर आप देख सकते हो छत पे वर्कर वगैरह लगे हुए हैं, इस पर कंक्रीट वगैरह ढलेगा और ये ऊपर से सारा फील हो जाएगा और अंदर से इसके गाड़ियाँ जाएंगी। काफ़ी अच्छी चीज़ें अब हो रही हैं, शुरू में जब ये काम हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि यार ये कैसे पॉसिबल होगा, बिकॉज इतनी ज़्यादा इन्होंने कटिंग कर दी थी एक साथ ही कि सारे के सारे पहाड़ नीचे आ रहे थे, तो तब ऐसी टेक्निक्स यूज़ नहीं की थी। लेकिन अब इनको बाद में समझ आ गया कि नहीं भाई, सिर्फ जगह को काट काट के कुछ नहीं होगा, उससे सिर्फ पहाड़ ही नीचे आएगा, हमें जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ है उनको यूज़ करना पड़ेगा। हालांकि उनमें थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा लेकिन करनी पड़ेगी यूज़। तो काफ़ी अच्छे से ये काम हो चुका है, नीचे आप देख सकते हो इसका जो बेडिंग वगैरह का काम है वो पूरा हो चुका है, बस अब रूफ़ का काम ऊपर चल रहा है। तो जल्दी ही ये कवर हो जाएगा, ये रहे इसके पिलर्स, और यहाँ से ये निकलता है टनल। तो चलते हैं आगे। तो गाइज़ ये थी सारी इन्फॉर्मेशन इस T1 सेकेंड पार्ट टनल की, इसको हमने नया नाम दिया है T1 बट सेकेंड पार्ट, क्योंकि ये उसी के साथ में एडजॉइनिंग टनल ही आप कह सकते हो। तो T2 जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।